इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आज बेलगाम जिला अथनी तालुका के करिये में इतवार के रोज खेलने को गए बहन और भाई की पानी में डूबकर मौत हुई। विजय और सुषमा, जिनकी उम्र 7 साल और 11 साल है, खेलने के लिए पानी में गए तो इनका पांव फिसल कर गहरे पानी में डूब गए। इनकी मौत पर कोहल्ले अथनी में मातम छाया हुआ है। रेशन पर दिया जाने वाला चावल कालाबाजारी के जरिए बाजार में बेचने वाले टेम्पो को ही नंदगढ़ पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया। रेशन का चावल बजाय आवाम को देने के बाजार में बेचने के जुर्म में गिरफ्तारी भी अमल में आई है। गांजा मामले में पुलिस पर ही कार्रवाई अमल में आने की वारदात हुबली में पेश आई है। हासिल इत्तला के मुताबिक गांजा फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बजाय मुकदमा दर्ज करने के रिश्वत लेकर मुजरिमों को छोड़ दिया गया और खुद पुलिस ने ही गांजा बेचने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। लिहाजा तफ्तीश के बाद 6 पुलिस वालों पर हुबली पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई कर नौकरी से सस्पेंड किया गया। इस मामले के बाद अब वर्दी वाले भी जुर्म में मुलविस होने की चर्चा जारी है। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नजर। अक्टूबर के इसी हफ्ते में सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। वैसे इस दिन को मनाने का नया रिवाज शुरू हुआ है। हमने स्कूल कॉलेजेस में भी देखा कि मुख्तलिफ डे मनाए जाते थे, अक्सर आज भी मनाए जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। लिहाजा आज बुजुर्गों पर बोलने की जरूरत इसलिए भी समझूंगा क्योंकि जिंदगी शाम बनकर ढलने लगती है तो कैसे मसाइल से बुजुर्गों को दो चार होना पड़ता है। जिंदगी की शाम में कई बुजुर्गों की सांसें अटकने लगती है। वो जिंदगी जिस पर कभी नाज हुआ करता था, आखिरी वक्त कैसे इम्तिहान बनकर सामने आता है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अक्सर बेशतर घरों में बुजुर्गों को लेकर किस तरह के रवैया अख्तियार किए जाते हैं। वह औलाद जिसके लिए अपना पेट काटकर परवरिश की गई थी, तमाम मुश्किलात परेशानियों को महज औलाद के मुस्तकबिल को संवारने में लगाया गया था। किस कदर एक बाप अपने बच्चों के सामने बेबस हो जाता है। यकीनन मुस्लिम माशरे में कुछ हद तक वालिदैन बुजुर्गों से बदसलूकी या बेरुखी की वारदातें कम नजर आती है, या तो फिर इस तरह का मामला ही कम नजर आता है। फिर भी आज भी बुढ़ापा घर का तसव्वुर मुसलमानों में नहीं है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता कि अब तकरीबन घरों की कैफियत एक जैसी होती जा रही है। वालिदैन के साथ बच्चों का रवैया बदलता जा रहा है। बीमारी अस्पताल का खर्चा उस बेटे पर भारी होने लगता है जिसने अपने मुंह का लुकमा उस बेटे को खिलाकर बड़ा किया, परवरिश की। कहते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हकीकत है कि दुनिया को दीन की बातें और नसीहत करने वाले बच्चों के घरों में भी वालिदैन से नफरत का रवैया इख्तियार करते हुए देखा जा रहा। बहू बेटी का रवैया भी कुछ अलग नहीं रहता। मतलब जिंदगी की शाम इम्तिहान बनकर आती है और इम्तिहान मौत तक देना पड़ता रहता है। बुजुर्गों के दिन मनाए जाते हैं, वालिद वालिदा की यौम पैदाइश पर बर्थडे मनाने का भी नया रुझान देखा जा रहा है। पेरेंट्स डे मनाया जाता है, वालिदैन के साथ सेल्फियां निकालकर सोशल मीडिया पर शाया कर लाइक्स कमेंट्स बटोरे जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं तो उन माँ बाप का दम तुम्हारे रोइयों से घुट रहा है। वाकई बुढ़ापा सिवाय इम्तिहान के कुछ नहीं है। बचपन जवानी बड़े इत्मीनान से गुजर जाती है, लेकिन जिंदगी की शाम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने इससे पहले भी दौरे फितन के पस मंजर में माशरे में बढ़ती बुराइयों पर बारहा तस्करा किया, लिहाजा इसे भी बुराइयों में ही शुमार किया जाए कि जब बूढ़े वालिदैन बच्चों के डर से अपनी जरूरतों को जाहिर करने से बचते हों, कहीं बेटा या बेटी या बहू चीखने चिल्लाने ना लगे। इस डर से घर के बुजुर्ग, जिनकी वजह से इस घर में कई चिराग रोशन हुए, आज उन्हीं चिरागों के बुझने के इंतजार में रहते हैं। कई शहरों में बुढ़ापा घरों का कयाम अमल में आया। इनकी कैफियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किस तकलीफ से वालिदैन जिंदगी का आखिरी वक्त गुजारते रहते हैं। बच्चे अपने बूढ़े वालिदैन को बुढ़ापा घरों में छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें कुछ खर्चे के लिए रुपये दिए जाते हैं। आखिर माशरे की पस्ती की क्या निशानी हो सकती है। इस्लाम ने खासकर इस बात पर तवज्जो देते हुए कहा कि वो शख्स कभी जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं सकता जिसके रवैये से वालिदैन नाराज हो। आज हर कोई दीन की बात सुनाना समझाना चाहता है, लेकिन खुद अमल नहीं करना चाहता। अफसोस दर अफसोस के मुस्लिम माशरे में भी वालिदैन को घरों से निकालने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कई तंजीमें इदारे खिदमात तो अंजाम देते रहते हैं, लेकिन बूढ़े वालिदैन के खिदमात पर तवज्जो करने वाले अफरादों की जरूरत है। पैसों से इंसान के एहसास जज्बात को खरीदा नहीं जा सकता। आप बुढ़ापा घरों में भेजकर रुपये तो देकर खादिम तो रख सकते हैं,
लेकिन वालिदैन को खादिम की जरूरत नहीं रहती बल्कि अपने बच्चों की मोहब्बत और एहसास की जरूरत है। तुम क्या इनके लिए खादिम रखकर इनकी मदद कर सकते हो जबकि तुम्हें पैदा ही इन्होंने किया है, तुम्हारे माँ बाप ने किया है, जिसका कर्ज अदा नहीं कर सकते। बच्चों को चाहिए कि वालिदैन से अपने रवैया बेहतर बनाए। मेरे नबी ने फरमाया कि कोई वालिदैन की तरफ देख कर मुस्कुराता भी है तो उसे एक मकबूल हज का सवाब दिया जाता है, लेकिन अफसोस के घरों में वालिदैन के हुकूक अदा करने के बजाय कई बार उमरा और कई हज कर घर वाले के हुकूक अदा नहीं करते। जिंदगी बहुत कीमती है, नबी ने फरमाया हलाक वो शख्स जिसने वालिदैन को पाया और इनकी खिदमत को अंजाम नहीं दिया। बहुत ज्यादा बुजुर्गों के खिदमत को अंजाम देने पर ताकीद फरमाई गई। यहाँ तक हुक्म दिया गया कि अगर वालिदैन नहीं है तो वालिदैन के दोस्त या सहेली जो बुजुर्ग हैं इनकी खिदमत करनी होगी। शरीयत ने जिंदगी जीने के तमाम अहकाम समझा दिए, लेकिन तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं एहसास खत्म हो रहा है। रिश्तों को निभाना अब इंसान भूलता जा रहा है। जब तक जिंदा रहते हैं इनकी खिदमत नहीं करते, लेकिन मरने के बाद बार बार याद कर कब्रिस्तान में जाते हैं। यकीनन कब्रिस्तान जाना चाहिए ताकि हमें हमारी मंजिल का पता तो चले, लेकिन ये क्या बात हुई कि जब तक वालिदैन जिंदा थे हमें वो बोझ लग रहे थे, इनकी बातों पर गुस्सा आ रहा था, वालिदैन की बुराइयां करते थकते नहीं रहते, और मर जाते हैं तो याद कर अफसोस करते रहते हैं। हर एक को बुढ़ापे को पहुंचना है। हमने जो हमारे बूढ़े वालिदैन से रवैया किया है हमारे साथ भी वही होगा। बुजुर्गों को समझने की जरूरत है। जिस्म जहन कमजोर हो जाता है, कभी कुछ कह भी देते हैं तो इसे नजरअंदाज कर देना होगा। आखिर वालिदैन है हमारे, उम्र के आखिरी पड़ाव पर बचपना आ जाता है और इन्हीं खिदमत का तो तुम्हें अजर मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन डे वगैरह मनाने से बुजुर्गों के मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल हल महज आखरत, खौफ खुदा, अपनी जिम्मेदारियों को समझने से होंगे। हुकूमत की जानिब से 600 रुपए महीना पेंशन दी जा रही थी जिसे बढ़ाकर 1000 रुपए करने का फैसला लिया गया, लेकिन ये भी बहुत कम है। गोलियां दवाइयां इतनी महंगी है कि इनके लिए 1000 रुपए किसी काम के नहीं है। कुछ बुजुर्ग बीपी शुगर की गोलियां हासिल करने के लिए सिविल अस्पताल तक चलते जाते रहते हैं। 2 रुपये की बीपी की गोली न मिलने से कई बूढ़े वालिदैन को मरते हुए देखा है। मरने के बाद रोने का तमाशा किया जाता है। कहां तक हम झूठ फरेब ढोंग का तमाशा करते रहेंगे। खासकर बहुओं का रवैया घरों में बुजुर्गों से ठीक न होने की रिपोर्ट हासिल हुई है। जरूरत है घर के बुजुर्गों की कदर कीमत का एहसास घर के हर फर्द को हो। आजकल तो छोटे बच्चे भी घर के दादा दादी की इज्जत नहीं करते। कई घरों में बुढ़ा बुढ़ी कहा जाता है, इसी नाम से बुलाया भी जाता है। बच्चों को सही तरबियत की जरूरत है। सभी को इस इम्तिहान से गुजरना है। अब तो दुनिया परस्ती ने इतना मुतासिर किया है कि नौकरियों के लिए बूढ़े वालिदैन को छोड़कर चले जाते हैं। अगर बीवी को लेकर अलग रहने का या दूसरे मुल्कों में बड़ी नौकरी मिलती है तो चले जाते हैं। बूढ़े वालिदैन बच्चों की मोहब्बत को तरसते रहते हैं, लेकिन ये जिंदगी की लड़ी भी अजीब है। हर कोई अपने बच्चों के बेहतरी का सोचकर वालिदैन को नजरअंदाज करता रहता है, आगे देखता रहता है, मुस्तकबिल संवारना चाहता है, और जिस माजी ने उसे जिंदगी जीने का सलीका लड़खड़ाते हुए कदमों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज बूढ़े वालिदैन का सहारा बनने के बजाय अपनी बीवी बच्चों को लेकर मुस्तकबिल संवारने की जल्दबाजी में रहता है। बूढ़े वालिद तुमसे कुछ नहीं चाहते, वो महज तुम्हारी मोहब्बत भरी नजर के इंतजार में रहते हैं। कहते हैं कि बाजार में सब कुछ मिलता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कहीं पर भी नहीं मिलता। माँ बाप के साथ तुम्हारा सुलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। वालिदैन से अक्सर गुफ्तगु करते रहे, वालिदैन से हम कलाम रहने से उनमें वो कभी बुढ़ापा महसूस नहीं करेंगे। सूखी छड़ी से बदतर और नाकारा है वो बेटा जो बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा नहीं बनते। दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो कभी अपनी औलाद से कुछ मांगता नहीं बल्कि मुखलिस होकर हमेशा देता रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 30 जिलों में 1,60,000 बुजुर्ग हैं जिनमें एक बड़ी तादाद को बच्चे नहीं देखते। अब हुकूमत की जानिब से नई स्कीमों को शुरू करने का ऐलान किया गया है। 14% से भी ज्यादा बुजुर्गों ने बच्चों के खिलाफ फरियाद दर्ज की है। तो घरों से निकाले गए बुजुर्गों को नाइट शेल्टर का इंतजाम भी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। बुजुर्गों के पेंशन के लिए भी नई नई स्कीमों को शुरू करने का ऐलान करने की बात कही जा रही है। जो भी हो, लेकिन औलाद की मोहब्बत के लिए तरसने वाले बूढ़े वालिदैन की आहें किसी भी शख्स को दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं होने देती। लिहाजा बुजुर्गों की खिदमत करने की पूरी कोशिश करें। यही पैगाम सीनियर सिटीजन डे के मौके पर हमने देने की कोशिश की है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।